ये मेरी क्वोरा की प्रोफाइल है, इसके ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ज़्यादातर मैंने पोस्ट ही डाली है लास्ट में, और काफ़ी दिन से मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ये वाली पोस्ट देखो, 11.9 के व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी पोस्ट के ऊपर 494 व्यूज़ आ चुके हैं। इसके बाद फिर ये वाली पोस्ट देखो, काफ़ी पोस्ट के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, 8.5 के व्यूज़ है इसके ऊपर। और इसके बाद देखो सारे, ये ज़्यादातर पोस्ट आप देखोगे इसके ऊपर मेरे व्यूज़ है ही है। ठीक है, हर 5 में से 2 से 3 पोस्ट के ऊपर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, ये पोस्ट कैसे बना सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन के ऊपर इसको पोस्ट कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी व्यूज़ आए और मेरी अल्टीमेटली अर्निंग हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमको जो पोस्ट जो बनानी है वो पर्टिकुलर किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। तो देखो, एक चीज़ समझ लो, आपके पास आपने नीश बनाया है 3 चीज़ों का। ठीक है, मूवीज़ का एक बनाया है, एक न्यूज़ का बनाया है, और एक स्पोर्ट्स का बनाया है। ठीक है, तो न्यूज़, मूवीज़ और स्पोर्ट्स के जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है ना अभी, उसके ऊपर पोस्ट बनाओ या उसके ऊपर मीम्स बनाओ। तो उससे क्या होगा कि वो मीम्स को लोग देखेंगे, उस बहाने उस न्यूज़ को भी पढ़ेंगे वहाँ पे, या फिर आपके पोस्ट से ही वो लोग देखेंगे, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट होगी आपकी पोस्ट के। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि आपके पर्टिकुलर जो निश है उस पर ट्रेंडिंग क्या चीज़ें चल रही है, उस हिसाब से वो पोस्ट बनाओ। ठीक है, अभी पोस्ट जो बनानी है वो कैसे बनानी है, ठीक है, यानी कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो जिससे कि अच्छी पोस्ट आप बना सकते हो। तो देखो, मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो कैनवा यूज़ करता हूँ। आप पिक्सल लैब भी यूज़ कर सकते हो, आप पिक्स आर्ट यूज़ कर सकते हो, ये तीनों एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हो इन तीन एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, अभी तीसरा सवाल आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि चलो मैंने पोस्ट भी क्रिएट कर दी, लेकिन मैं इसको रखूँ कहाँ पे। ठीक है, यानी कौन से क्वेश्चन के ऊपर डालूं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सॉरी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रैफिक आ पाए, जिससे कि आपकी पोस्ट जो है वो वायरल हो जाए या पॉपुलर हो जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने से आपकी अल्टीमेटली अर्निंग भी हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, एक पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ कि कैनवा के ऊपर एक पोस्ट क्रिएट करो। ठीक है, पोस्ट क्रिएट करने के लिए इमेज यहाँ से उठा सकते हो, एक यहाँ से उठा सकते हो। एक चीज़ है कि उसके ऊपर है ना क्रेडिट भी दे देना, क्रेडिट दे सके तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्रेडिट दे देना, और सिंपली उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग भी करना है तो ब्रांडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर वो पोस्ट आपको क्रिएट करनी है, और क्रिएट करने के बाद ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने जैसे बताया कि कौन से क्वेश्चन आपको उठाने हैं जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हो, जिनके ज़्यादा व्यूज़ हो, ठीक है, और रिसेंटली अभी डाले हैं पोस्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसी पोस्टें डालनी है। ठीक है, या उसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो उस तरीके से उस पोस्ट के ऊपर, मतलब उस क्वेश्चन के ऊपर पोस्ट करनी है जिससे कि आपका ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वेश्चन को एंगेज लोग कर ही रहे, ज़्यादा वेटिंग में है उसके फॉलोअर्स। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर उसके ऊपर पोस्ट करोगे तो ट्रैफिक 100% आएगा। इसीलिए मेरी हर 5 में से 2 से 3 पोस्ट वायरल हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि पॉपुलर हो जाती है। 1000 से 2000 आराम से 2 से 3 दिन के अंदर व्यूज आ जाते हैं, तो और क्या चाहिए हमको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे स्पेस के रिगार्डिंग, या फिर बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, स्पेस कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें समझना चाहते हो तो हमारा प्लेलिस्ट मैं आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ पे जाके एक बार ही देख लेना, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आप अर्निंग भी कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा और सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्निंग भी होगी आपकी, लेकिन सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ आएगी सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।